फिल्म बहुत कमाल की थी, मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया फिल्म देख करके। वेरी नाइस मूवी, ऑसम मूवी, फैंटास्टिक, एकदम सुपर मूवी, सॉन्ग एकदम, फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है। इट वॉज रियली गुड, एंटरटेनिंग एंड वेरी क्यूरियस टू नो एट द एंड व्हाट द स्टोरी इज एंड वेरी थ्रिलिंग ऑल्सो। बहुत अच्छी थी फिल्म, वॉज रियली गुड। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी, सो स्केरी मोमेंट्स थे साथ में, बट ह्यूमर मिक्स था, सो अच्छा लग रहा था। ऑसम था मूवी, अनएक्सपेक्टेडली इट वॉज वेरी गुड। आई न्यू दैट इट विल बी गुड बिकॉज द कॉम्बिनेशन एंड द स्टार कास्ट वॉज वेल, बट आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना मजा आएगा। एंड फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, स्टोरी एक कॉमेडी है, हॉरर तो बहुत कम है लेकिन कॉमेडी ज़्यादा है। स्टोरी बहुत अच्छी थी फिल्म की, स्टार्टिंग में थोड़ा हॉरर पन लगा लेकिन एंड में अच्छा लगा। एक्चुअली द स्टोरी बिहाइंड इज लाइक इट्स रिगार्डिंग द प्रोस्टिट्यूशन, लाइक तुमको उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, इट्स रिगार्डिंग दैट। बहुत अच्छी थी, सस्पेंस भी बहुत है, हॉरर कॉमेडी, आप डरोगे भी और हंसोगे भी सेम टाइम पे। कंटेंट अच्छा है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल मूवी है और जैसा होना चाहिए, कोई बोर नहीं हुआ, एक भी मोमेंट में ऐसा नहीं लगा कि कब खत्म होगी या क्या होगा। सो इट वॉज ओवरऑल वेरी एंटरटेनिंग, सब अच्छे थे। ये लोग ने मोस्ट ऑफ ऑल अभी जो पहले के कहानी पे थे उस बेस और अभी के मॉडर्न के इस बेस पे उन लोग ने बुनाए वो। देखिए स्टोरी आप बॉलीवुड की किसी मूवी को उठा के देखेंगे तो 90% तो अनरियलिस्टिक ही होती है, मगर पॉइंट क्या होता है, अनरियलिस्टिक स्टोरी को भी आप कैसे एक अच्छा फ्लेवर दे उस पर डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन। और ऐसी कंडीशन में मैं बोलूँगा कि अमर कौशिक हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी हैज़ डन अ एक्सेलेंट जॉब, बिकॉज बिफोर दिस मूवी हैज़ बीन अ एडी इन लाइक गो गोवा गॉन, फुकरे, एंड जनरली व्हेन अ एडी टर्न्स इनटू अ डायरेक्टर इट टेक्स टाइम टू एक्चुअली कम अप विद द बेस्ट परफॉर्मेंस, बट इन द फर्स्ट मूवी इटसेल्फ ही हैज़ बीन एबल टू नेल इट, बिकॉज इफ़ यू सी द मूवी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल क्लैपिंग, अ लॉट ऑफ पीपल लाफिंग एट द सेम टाइम, द एंटायर हॉल इज एंजॉयिंग, दैट यूजुअली डजंट हैपन, सो ब्रिलियंट जॉब डन। राजकुमार राव ने बहुत गजब का काम किया है, श्रद्धा कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड बाकी सारे कलाकार एकदम कमाल, मतलब बहुत अच्छे लगे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सर, बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री वो दोनों की। राजकुमार राव वॉज द बेस्ट एंड द साइड एक्टर्स टू वेयर टू बेस्ट एंड लाइक रेस्ट वॉज इट वॉज एन ऑसम मूवी। केमिस्ट्री अच्छी थी, इट वॉज रादर उतनी केमिस्ट्री के इससे ज़्यादा वो स्टोरी बेस्ड मूवी थी, सो रोमांस इतना ज़्यादा भी नहीं था, रोमांटिक एंगल था, बट और दोनों ने डांस काफ़ी अच्छा किया, दोनों काफ़ी अच्छे डांसर हैं। लास्ट के गाने में, क्रेडिट सॉन्ग में, मिलेंगी मिलेंगी में काफ़ी एनर्जेटिक गाना है और डांस भी काफ़ी अच्छा, सब अच्छे है, सब ने अपने अपने रोल बहुत अच्छे से निभाए लोग ने, मोस्ट ऑफ ऑल श्रद्धा कपूर और इसने राजकुमार ने। देखिए उसमें थोड़ा सा ना यूपी वाला टच दिया गया है, जिस तरीके का प्यार और जिस तरीके की मोहब्बत होती है उस साइड पे, तो वो काफ़ी स्वीट सा है। श्रद्धा कपूर बहुत प्यारी लग रही है उसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि सारी जो स्टारकास्ट ली गई थी सभी पे फोकस किया गया, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली राजकुमार राव ही डोमिनेट कर रहे हैं, अपार शक्ति और त्रिपाठी सर, सभी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फोर फाइव मिस फोर फोर आउट ऑफ फाइव मैं थ्री स्टार देना चाहूँगा मूवी को। फोर 4.5 थ्री एंड हाफ, मतलब मेरा बस मैं 5 out of 5 दूंगा, मैं 4.5 out of 5 इसलिए दूंगा क्योंकि अमर कौशिक जो इसके डायरेक्टर हैं आई बिलीव वो इससे भी बेहतर कर सकते हैं, सो जस्ट एज अ सो कॉल्ड क्रिटिक आई वुड से 4.5 सो दैट ही कैन कम अप इवन विद अ बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम।